रिया चक्रवर्ती को आज नहीं तो कल बेल तो मिलने ही वाली थी कल जो एन का स्पेशल कोर्ट है वहाँ पर उनकी जो जेल टर्म है वो ख़त्म हो रही थी तो उनको आगे एक्सटेंड कर दिया गया लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट विच इज़ ओवर एंड अबाउ ऑल दी अदर सेशंस एंड स्पेशल कोर्ट्स उन्होंने उनको बेल ग्रांट कर दी है लेकिन इस बेल में बहुत सारी कंडीशन है इवन आफ्टर लीविंग द जेल इमीजिएटली रिया चक्रवर्ती विल हैव टू कंसिडर टू मेनी थिंग्स बिफोर शी मेक्स एनी मूव और शौविक चक्रवर्ती कंटिन्यूस टू बी इन जेल इवन एज दिपेश सावंत और सैम्यूल मरंडा दोनों को बेल मिल गई है अब ये क्या क्या कंडीशन है वो आप सुन लीजिए इन कंडीशंस में सबसे पहले है कि रिया को अपना पासपोर्ट दे देना पड़ेगा टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द एन सी बी उसके बाद वो वो ऑब्वियसली इंडिया लीव नहीं कर सकती टिल दिस केस इज़ ऑन दूसरी बात शी कांट इवन लीव द जूरिस्डिक्शन ऑफ द एन डी पी ए स्पेशल कोर्ट इन मुंबई उनको उसी एरिया में रहना है और हर मंडे उनको विदाउट फेल एन सी बी के ऑफिस में जाकर अपनी पेशी देनी है शी हैज़ टू मेक अ सेल्फ अवेलेबल इन द ऑफिस इन पर्सन और इस बेल के लिए उनसे एक लाख रुपये की श्योरिटी भी ली गई है और इसके अलावा एक लाख का जो वैल्यू है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट की एक और श्योरिटी ली गई है जो काइंड में भी हो सकती है अब बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि के यह केस बंद हो चुका है द केस कंटिन्यूज टू बी इन्वेस्टिगेटेड जस्ट लाइक इट वॉज बींग इन्वेस्टिगेटेड बिफोर और एन के जो भी प्रोसीजर्स हैं वो चालू रहेंगे एंड द रीजन सच स्ट्रिंजेंट कंडीशन हैव बिन पुट ऑन रिया चक्रवर्ती इज ऑल्सो बिकॉज अगर एन सी बी फील्स लाइक देर इज अ री अरेस्ट रिक्वायर्ड इन दिस केस दैन दे कैन गो हैड एंड डू दैट जब कोर्ट में रिया की बेल अपोज कर रहे थे दी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तो उन्होंने कहा कि वी नीड टू टेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स स्टिल इसके लिए अब बेल नहीं देनी चाहिए तो हाई कोर्ट के जज ने कहा कि व्हाट डू यू वांट टू टेस्ट नाउ ऑलरेडी सेड दैट ऑल दी ऑफेंसेस अंडर द एन एक्ट आर नॉन बेलेबल सो दैट मीन्स दैट द कोर्ट अग्रीज दैट इट इज़ अ वेरी सिवियर केस और यहाँ पर बेल मिलना बहुत ही मुश्किल है इसलिए उनको एक महीना लग गया बट जो भी कंडीशंस रखी गई है they are no less than actually limiting her from moving around and also she has been barred from talking to any of the witnesses in the case chahe wo dipesh savant ho ya samuel melinda ho or she can't even actually talk to shobhit chakravarty because he is also one of the accused in the case सैम्यूअल मिरांडा और दीपेश सावन को भी bail पचास पचास हज़ार की श्योरिटी के बॉन्ड्स पर दी गई है और जो चार्जेज लगे हैं रिया और शॉविक पर वो इतने ज़्यादा सीरियस है कि ऑब्वियसली द बेल हैज़ कम विथ सो मेनी कंडीशन मैं आपको बता दूँ दैट बोथ द सिबलिंग्स है बीन अंडर सम वेरी स्ट्रिजेंट एक्ट uh, ऑफ एन डी पी एस एक्ट जिसमें के है एट सी विच हैज टू बी रेड विद ट्वेंटी बी डेट इज़ प्रोड्यूस मैनुफेक्चर प्रोसेस सेल परचेज ट्रांसपोर्ट वेयर हाउस यूज कंज्यूम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसशिप कैन बिस अदर दैन गांजा ट्वेंटी सेवन ए विच इज़ फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिकिंग इन टू ड्रग्स एंड हाबरिंग ऑफेंडर्स ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिजेंट है बिकॉज अगर ट्वेंटी सेवन होता तो फिर भी थोड़ा कम स्ट्रिंजेंट था बट ट्वेंटी सेवन ए बिकम्स एक्सट्रीमली सीरियस ट्वेंटी एट अटेम्प्टू कमिट ऑफेंस अंडर दी एक्ट एंड ट्वेंटी नाइन विच इज़ अबमेंट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसिज एक्ट नाइनटीन एटी फाइव हालांकि रिया की जो बेल प्ली थी वो बहुत ही एग्जॉस्टिव थी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई थी जैसे कि शी वॉज डूइंग एवरीथिंग एट द बीहस्ट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत हु हिमसेल्फ वॉज कंज्यूमिंग ड्रग्स एंड रिया के उस बेल एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा था कि सुशांत वॉज एक्चुअली यूजिंग रिया एंड हर ब्रदर एंड हिज एंटायर हाउस स्टाफ टू प्रोक्योर ड्रग्स फॉर हिम बट ही डिड नॉट लीव एनी पेपर ट्रेल बिकॉज ही डिट पे एंड रिया हर सेल्फ़ पेड फॉर इट फॉर सम लिमिटेड क्वांटिटीज इस वजह से उनका नाम इसमें आ गया और अपनी बेल एप्लीकेशन में उन्होंने यह भी लिखा था कि अगर सुशांत सिंह जिंदा होते तो उनको भी पोजेशन ऑफ ड्रग्स और कंजम्पशन के लिए मैक्सिमम एक साल की सज़ा हो सकती थी तो उनको ट्वेंटी थर्टी ईयर्स की सज़ा uh, के जो चार्जेस हैं जो सेक्शन हैं लगे हैं उन पर वो क्यों लगाए गए हैं पर जिस बिना पर उनको बेल मिली है वो इट डजेंट सीम लाइक इट्स हर बेल एप्लीकेशन दैट इज सेंग ऑल दीज थिंग्स बट द फैक्ट दैट There was no drugs found on Ria's person. Reportedly, a lot of case was built on the WhatsApp chats that NCB had recovered. Barely, for now, Ria goes home immediately. Shawvik stays in the jail, and NCB's investigation hai, will continue, and so will the CBI's investigation. What are your thoughts in today's development? Breaking news as it gets, but it has to be read with all the conditions and. विथ दी एंटायर पर्स्पेक्टिव दट इट ब्रिंग्स अलॉन्ग विथ इट तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी थॉट्स है प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज नीडलेस टू से प्लीज सब्सक्राइब क्लिक ऑन द बेलाइकन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग